5 साल की मासूम को अगवा कर रेप करने के आरोपी राकेश उर्फ रक्कू पुत्र दुर्गा प्रसाद बर्मन 32 वर्ष निवासी जीवन ज्योति कॉलोनी गली नंबर 2 थाना कोलगवा के पक्के मकान को नगर निगम राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने ध्वस्त कर दिया। शुक्रवार सुबह लगभग 10 बजे SDM नीरज खरे और CSP महेंद्र सिंह चौहान दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। सबसे पहले मकान में निवासरत आरोपी की दादी, चाचा, चाची समेत परिजनों को बाहर निकाला गया। फिर मकान गिराने की कार्रवाई शुरू की गई, जो कि दोपहर 2 बजे तक चली। इससे पहले आरोपी और उसके परिजनों को नगर निगम की तरफ से नियम विरुद्ध निर्माण पर नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के लिए कहा गया था, मगर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और न ही अवैध निर्माण हटाया गया। ऐसे में प्रशासन ने मासूम के साथ हैवानियत करने वाले को सबक सिखाने के लिए अवैध निर्माण तोड़ दिया। इस दौरान कोतवाली, कोलगवा और सिविल लाइन थाना प्रभारी दल बल के साथ मौजूद रहे। गौरतलब है कि 5 वर्षीय पीड़िता की बुजुर्ग दादी पिछले 8 साल से जगतदेव तालाब में ठिकाना बनाकर भिक्षाटन करती है। यहीं से उसका 9 वर्षीय भाई करीब 1.5 माह पहले लापता हो गया था, जिसकी तलाश में जुटे माता पिता 16 अगस्त की सुबह सतना आए और बच्ची को दादी के पास छोड़कर कटनी चले गए थे, जहां से शाम 5:30 बजे आरोपी ने बालिका को टॉफी खिलाने के बहाने अगवा कर दुष्कर्म किया। आरोपी युवक को 12 साल पहले भी 4.5 साल की बच्ची से रेप के मामले में सजा पड़ी थी, मगर कारावास भुगत कर छूटने के 1.5 साल बाद फिर एक बच्ची को अपनी हैवानियत का शिकार बना लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एक्चुअल में ये जीवन ज्योति कॉलोनी में कलावती वर्मन है, उनका घर जो है नगर निगम द्वारा अवैध घोषित किया गया, बिना नक्शा पास उसको गिराने की कार्रवाई चल रही है। आपको जाना दुष्कर्म का आरोपी वो कलावती जी का पोता है। तो ये सर यहीं रहता था उसके मकान में? उसको अभी जेल से ही छूट के आया था कुछ दिन पहले, तो यहीं कभी यहाँ रहता था। सर कितने टीमें कुल लगाई गई हैं और कौन कौन सी टीम है यहाँ पर मौजूद? यहाँ पर राजस्व विभाग की नगर निगम की पुलिस।